स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद दिल मोहम्मद में। साथियों, आज हम लोग मानव संपदा पोर्टल के न्यू अपडेट के बारे में इस वीडियो के माध्यम से जानकारी करेंगे। दोस्तों, पहले हम मानव संपदा पोर्टल को अपने लॉगिन करते थे तो कैसे करते थे और अब कैसे करेंगे, इसके बारे में इस वीडियो में पूरी जानकारी दी गई है। दोस्तों, मानव संपदा पोर्टल को जब हम गूगल या क्रोम ब्राउज़र में लॉगिन करते थे तो हमारी वेबसाइट ये होती थी, ehrms.upsdc.gov.in। तो हमारा वेबसाइट खुलता था पहले। अब इसमें कुछ चेंजिंग किया गया है और पहले हमारा कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देता था, लेकिन अब जो है हम मानव संपदा पोर्टल को लॉगिन करते हैं तो ehrms.nic.in कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देता है। तो इस ऐसे जो है इंटरफेस से हम अपने मेन लॉगिन पे जाने के लिए क्या करेंगे, उसको इस वीडियो के माध्यम से बताया हूँ। तो साथियों, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो साथियों, सबसे पहले हम लोग गूगल या क्रोम ब्राउज़र में टाइप करेंगे मानव संपदा पोर्टल। तो मानव संपदा पोर्टल टाइप करने के बाद साथियों, हम पहली हमारी वेबसाइट आपको यहाँ दिखाई देगी, ehrmsnic.in। तो इस वेबसाइट पे हम क्लिक करेंगे, उसके बाद हम इस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। दोस्तों, पहले हम जब लॉगिन करते थे और वेबसाइट पे जाते थे तो हमको ऐसा इंटरफेस नहीं दिखाई देता था, लेकिन अब इसमें चेंजिंग कर दिया गया है। पहले हमारा डायरेक्ट जो है अपने उत्तर प्रदेश का जो है मानव संपदा पोर्टल खुल जाता था, लेकिन अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दे रहा है सेलेक्ट स्टेट। ये देखिए, यहाँ पे सेलेक्ट स्टेट दे रहा है। तो इस सेलेक्ट स्टेट पे क्लिक करके अपना स्टेट चूज करेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ आप देखिए, सारे स्टेट को जो है इसमें शामिल कर दिया गया है। पूरे भारत के जितने भी स्टेट हैं, इसमें हम उत्तर प्रदेश को ढूंढ लेंगे। उत्तर प्रदेश को ढूंढने के बाद साथियों, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। तो मानव संपदा, तो दोस्तों इसमें देख सकते हैं आप कि ehrms उत्तर प्रदेश, यहाँ पे आपको रेड कलर में ehrms उत्तर प्रदेश दिखाई देगा। तो इस पर हमें क्लिक करना है। तो इस पर हम क्लिक करने के बाद पहले जो हमारा वेबसाइट खुल रही थी upsdc.gov.in, ये हमारा जो है मुख्य वेबसाइट उत्तर प्रदेश का, ये हमारा खुल जाएगा। तो आप यहाँ से जो है लॉगिन कर सकते हैं, अवकाश ले सकते हैं, जो भी करना है आप कर सकते हैं। तो ये कुछ मानव संपदा से संबंधित अपडेट था जिसको मैंने आप लोगों के समझ करके दिखाया। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आएगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आप जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें।